प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। प्रभु सुने सिखाया था निंदा मत करो, और निंदा का मतलब होता है कि किसी की गैर मौजूदगी में उसके बारे में बुरी बात करना, उसको निंदा कहा है। तो प्रभु सुने फरीसी लोगों, हेरोद लोगों, शास्त्री लोगों की गैर मौजूदगी में अपने चेहरों से कहा, इनसे सावधान रहना, ये लोग तो पापी है। तो क्या इसको निंदा नहीं कहा जाएगा? क्या प्रभु सुने किसी की निंदा की? क्या प्रभु सु किसी की निंदा कर सकते? देखने जाओ तो ये सारी बातें तो ऐसा ही बता रहे कि प्रभु सुने किसी की गैर मौजूदगी में उनके बारे में भला बुरा अपने चेहरों को कहा। प्रभु सुने ये भी सिखाया था किसी के ऊपर दोष मत लगाओ, लेकिन क्या प्रभु सुने दोष नहीं लगाया था? प्रभु सुने दोष लगाया था। तो क्या प्रभु यीशु कहते लेकिन कर नहीं सकते? क्या प्रभु से के लिए गुनाह नहीं? क्या प्रभु से के लिए पाप नहीं? एक आत्मिक अगुवा होता है, प्रभु यीशु अगुवे थे 12 चेलों के, 70 चेलों के। तो आज भी जो प्रभु यीशु की ओर से जिनको परमेश्वर ने खुद अभिषेक कर बनाया है, क्या ऐसा अगुवा किसी की निंदा कर सकता है? क्या किसी के ऊपर दोष लगा सकता है? ये बात है क्या? ये निंदा करने वाली बात है क्या? ये दोष लगाने वाली बात है क्या? वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। मैं एक वचन आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, मत्ती उसका 7वां अध्याय और पहला ही वचन, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। ऐसा प्रभु से कहते हैं, किसी के ऊपर दोष मत लगाओ ताकि आपके ऊपर भी दोष ना लगे। मतलब प्रभु से की आज्ञा है किसी के ऊपर दोष मत लगाओ। फिर एक वचन और पढ़ना चाहता हूँ, जो मत्ती उसका 15वां अध्याय और 19 वचन, क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। निंदा मन ही से मतलब हृदय से ही निकलती है। अब ये सब परमेश्वर ने ऐसा बोला कि इससे शरीर खराब होता है। आगे एक 20 वचन भी मैं आपके लिए पढ़ लेता हूँ, यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है, परंतु धोए बिना, हाथ धोए बिना भोजन करना वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। मतलब हाथ धोए बिना खाओ कोई बात नहीं, लेकिन अगर निंदा निकलती है तो दिल से निकलती है, वो इंसान को अशुद्ध करती है। इसका मतलब निंदा दिल से निकलती है और वो इंसान को अशुद्ध भी करती है, तो निंदा नहीं करनी चाहिए, दोष नहीं लगाना चाहिए। ऐसा प्रभु सुने यहाँ पर हमको सिखाया हुआ है। क्या प्रभु सुने किसी के ऊपर दोष नहीं लगाया? हाँ, प्रभु सुने दोष लगाया है। शास्त्री लोगों के ऊपर, फरीसी लोगों के ऊपर, याजकों के ऊपर उन्होंने दोष लगाया है। और मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ, जो मत्ती 15:1-7, तब यरूशलेम से कुछ फरीसी और शास्त्री यीशु के पास आकर कहने लगे, तेरे चेले पूर्वजों की परंपराओं को क्यों टालते हैं कि बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं? उसने उनको उत्तर दिया, तुम भी अपनी परंपराओं के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा टालते हो? क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे वह मार डाला जाए। पर तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता या माता से कहे, जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता है वह परमेश्वर को भेंट चढ़ाया जा चुका, तो वह अपने पिता का आदर न करे। इस प्रकार तुमने अपनी परंपरा के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया। हे कपटियों, यशाया ने तुम्हारे बारे में यह भविष्यवाणी ठीक ही किए। देखो, क्या प्रभु सुने इनके ऊपर दोष नहीं लगाया? प्रभु देखो तो दोष ही लगाया, तुम लोग ऐसा करते हो, तुम लोग परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते, तुम लोग परमेश्वर की आज्ञा टालते हो। तो देखने जाओ तो प्रभु सुने यहाँ पर दोष ही लगाया है। चलो निंदा की भी मैं बात कर लेता हूँ, क्या प्रभु सुने कभी निंदा की? और एक वचन पढ़ते हैं, मत्ती उसका 23वां अध्याय और उसका भी 1-7 वचन, तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए तुमसे जो कुछ कहे
व करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो है पर करते नहीं। वे एक ऐसे भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांधकर उन्हें मनुष्य के कंधों पर रखते हैं, परंतु स्वयं उसे अपनी उंगली भी सरकाना नहीं चाहते। वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। वे अपने ताबीजों को चौड़ा करते हैं और अपने वस्त्रों की कोरे बढ़ाते हैं। भोज में मुख्य मुख्य आसन और सभा में मुख्य मुख्य आसन, बाजारों में नमस्कार और मनुष्य में रब्बी कहलाना उन्हें भाता है। अब यहाँ पर प्रभु यीशु जो कहते हैं शास्त्री फरोसी याजकों के बारे में, वो लोग ऐसा बोलते, वो लोग मतलब वो लोग वहाँ पर हाजिर नहीं है, उनकी गैर मौजूदगी में परमेश्वर उनके बारे में ऐसा बोलते हैं, ये लोग तो अपने वस्त्र की कोर को बढ़ाते हैं, ये तो लोगों के ऊपर बोझ डाल देते, खुद की उंगली भी नहीं लगाते, उनको सहायता नहीं करते, ये तो भोजन में और बाजारों में सभी जगह पर नमस्कार चाहते, उनका आदर मान चाहते, वे तो मूसा की गद्दी पर बैठे, बोलते ऐसा करो वैसा करो लेकिन खुद नहीं करते, तो क्या इसको निंदा नहीं कहा जाएगा? क्या हम इसे निंदा नहीं कह सकते? गैर मौजूदगी में किसी के बारे में बुरा बोलना वही तो निंदा है, तो क्या प्रभु यीशु यहाँ पर निंदा नहीं कर रहे? प्रभु यीशु आज्ञा देने से पहले वो खुद आज्ञा मानते थे, वो कुछ भी करना सिखाने से पहले खुद कर बताते थे। प्रभु यीशु एक अगुवे थे, 12 चेलों के 70 चेलों के बहुत लोगों के अगुवे थे, और अगुवा जो होता है उनके ऊपर कुछ खास जिम्मेदारी रहती है। आज लोग अपने अगुवे से ज़्यादा लोगों के अगुवे को देखता है, और ख़ास कर जब उसका अगुवा सच्चा हो तो, क्योंकि सच्चा अगुवा जो होता है ना वो सच्ची बात सिखाता है, लेकिन जो झूठा अगुवा होता है ना वो सरल बातें सिखाता है। वो जो झूठा अगुवा होता है वो सभी को ऐसी भी परमिशन देता है जिसकी परमिशन बाइबल नहीं देता, और वो लोगों को अपने साथ बनाए रखने के हेतु से लक्ष्य से वो लोगों को गलत शिक्षा देता है। चलो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ और बाइबल में एक वचन पढ़कर बताता हूँ, 1 तीमोथी 2:9। वैसे ही स्त्रियाँ भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारें, न कि बाल गूँथने और सोने और मोतियों के और बहुमोल कपड़ों से। यहाँ पर संत पौलुस तीमोथी को ये बातें बता रहे कि देखो स्त्रियों को आज्ञा दो ऐसी कि सुहावने कपड़े पहने, अलग अलग तरह के बाल की स्टाइल लगाकर, कलर लगाकर, महंगे कपड़े पहनकर, सोने और मोती के गहने पहनकर वो अपने आप को ना संवारे। तो देखो स्पष्ट आ गया है, स्त्री को बताया गया है अपने आप को संवारो मत बाहरी चीज़ों से, अच्छे कामों से संवारो। फिर यही वचन पत्रस भी बोलते, 1 पत्रस 3:3। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो, अर्थात बाल गूँथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना। यहाँ पर पत्रस भी यही बोलते, भांति भांति के कपड़े पहनना, श्रृंगार करना, सोने का श्रृंगार करना, ये सब मत करो, ये स्पष्ट और स्पष्ट आज्ञा है ये मत करो। तो जो सच्चा अगुआ होता है ना वो स्पष्ट ही बोलता है, नहीं मतलब नहीं चलेगा, इसको नहीं करना है नहीं करना है, करने वाले चाहे जो भी करे, लेकिन सच्चा अगुआ यही सिखाता है नहीं करना है, ये गलत है तो गलत ही है। उसको डर नहीं है कि इनको तो शौक है, इनको तो पहनना है और मेरे पास नहीं आएंगे बाद में चले जाएंगे, लेकिन जो झूठा होता है उसको डर लगा रहता है कहीं लोग मेरे पास से चले ना जाए, इसलिए वो क्या करता है झूठा सिखाता है। देखो परमेश्वर ने ऐसा बोला है, परमेश्वर का कहने का मतलब है ज़्यादा मत करो, थोड़ा थोड़ा क्या करो। अभी देखो यहाँ थोड़ा थोड़ा लिखा है, ऐसी तो ढेर सारी आयतें मैं आपको बता सकता हूँ पुराने नियम में भी। तो सच्चा होता है वो सच्ची बातें सिखाता है, लेकिन जो झूठा होता है वो थोड़ा इधर थोड़ा उधर करने को बोलता है। तो जो सच्चे अगुवे के पास जाता है ना, वो जब झूठे जो अगुवे होते हैं उनके पास भी सुनते हैं और उनका सीखते हैं, और मेरा वाला तो कुछ भी नहीं कर रहा, उसको ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो सम्मति देता है, वो सहमति देता है, और वो इसके दिल में है भी, उसको करना है, तब उसको जो सच्चा अगुवा होता है वो सच्चा नहीं लगता और वो उसके पास जाना चाहता है और उसका कहा हुआ करना चाहता है, क्योंकि उसके दिल में भी वही बात है। सच्चा अगुवा होता है वो स्पष्ट सिखाता है। 10:2,
मैं पैसे की बात नहीं कर रहा, लेकिन पैसे के साथ साथ में हमारा जो जीवन है, हमारी जो आयु है, उसका दसवां हिस्सा भी परमेश्वर को देना है। तो एक दिन में 24 घंटे होते, 24 घंटे के 1440 मिनट होते, और उसका 10 मास 144 मिनट बनती है। 144 मिनट बोले तो 2 घंटे 24 मिनट, ये हमें हर रोज़ परमेश्वर के काम में बितानी है। तो सच्चा अगुआ लोगों को सिखाता है, आपको हर रोज़ 2 घंटे 24 मिनट परमेश्वर का काम करना है, आत्मा जीतने के लिए बाहर निकलना है। और जो पुरुष होते हैं उनको आत्मा जीतने के लिए बाहर निकलना होता है, लेकिन जो स्त्रियां होती है उनको तो परमेश्वर ने मना किया है कि तुम प्रचार मत करो। ऐसा पहला तिमोथी उसका दूसरा अध्याय और 11-12 वचन में लिखा है, मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ। स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। मैं कहता हूँ कि स्त्री न उपदेश करे और न पुरुष पर अधिकार चलाए, परंतु चुपचाप रहे। ये आज्ञा दी है, स्त्री प्रचार नहीं कर सकते, उपदेश ना करे वो। तो स्त्रियाँ जो है उनको क्या करना चाहिए, घर में बैठकर 2 घंटे 24 मिनट लोगों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, परमेश्वर इसको बचा लो, उसको बचा लो, इसके पास किसी को भेजो, ये करो। लेकिन उसके पति को क्या करना चाहिए, उसके पति को तो परमेश्वर ने बोला है ना, जाओ सभी देशवासियों को मेरा चेला बनाओ, उसको तो बाहर निकलना है, उसे बाहर निकलकर लोगों को बचाना है, प्रचार करना है, लोगों को उपदेश करना है, लोगों को सुसमाचार देना है, गवाही देना है, इस तरह से बचाना है। तो स्त्रियाँ 2 घंटे 24 मिनट घर में बैठकर प्रार्थना कर सकती है, लेकिन जो पुरुष है उनको तो बाहर निकलना ही। तो जो सच्चा अगुआ होता है ना सिखाएगा इस तरह से, लेकिन जो झूठे होते वो तो बोलते बस परमेश्वर को आपको आशीष देंगे, परमेश्वर की कृपा से हम उद्धार पाएंगे, परमेश्वर ने हमारे अपनी जान दे दी, क्या वो हमको नर्क में डाल देंगे, वो तो दयालु है, वो तो कृपालु है, हम चले जाएंगे स्वर्ग में। बस वो कहाँ सच्चा सिखाते, कहीं 2 घंटे 24 मिनट के ऊपर मैंने प्रचार कर दिया, कहीं मेरे पास से लोग भाग ना जाए। तो जो सच्चे दास के पास सीखता है उसको ये बात कड़वी लगती है, और उसकी बात जो झूठा है उसकी बात अच्छी लगती है। तो उसका मन अंदर से करता है, अरे मैं भी बैठा रहा हूँ, मैं भी उसके पास चला जाऊँ। तो उसको अपना जो सेवक है वो गलत लगता है। अब क्या होता है कि जो सच्चा अगुआ होता है वो भी तो बाहर सब कुछ देखता है, वो भी तो और प्रचारकों को देखता है, वो भी तो ऐसे झूठे प्रचारकों की शिक्षा को सुनता है। क्यों? क्योंकि उसको भी तो पता चलना चाहिए, क्योंकि बाइबल में लिखा है, पौलुस ने कहा है मेरे जाने के बाद भेड़ के भेष में भेड़िया आ जाएगा, सब कुछ बिगाड़ देगा। तो भेड़िए भी तो है, तो भेड़ियों से भेड़ को बचाना है ना। तो फिर सच्चा अगुआ भेड़ियों से अपने भेड़ को बचाने के लिए काम करता है, और इसलिए अगुआ क्या करता है, ऐसे झूठे प्रचारकों को खुला करता है और झूठे प्रचारकों को जाहिर भी करता है, उनको डांटता भी है। और देखो एक वचन फिर से जो मैंने पढ़ा है, एक बार फिर से आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, मत्ती उसका 15:1-7। तब यरूशलेम से कुछ फरीसी और शास्त्री यीशु के पास आकर कहने लगे, तेरे चेले पूर्वजों की परंपराओं को क्यों टालते हैं कि बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं? उसने उनको उत्तर दिया, तुम भी अपनी परंपराओं के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा टालते हो? क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे वह मार डाला जाए। पर तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता या माता से कहे जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता है वह परमेश्वर को भेंट चढ़ाया जा चुका, तो वह अपने पिता का आदर न करे। इस प्रकार तुमने अपनी परंपराओं के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया। हे कपटियों, यशायाह ने तुम्हारे विषय में यह भविष्यवाणी ठीक ही की है। तो यहाँ प्रभु यीशु इनके ऊपर दोष नहीं लगाते, प्रभु से उनको डांटते, प्रभु से के साथ प्रभु से के चेले थे, और ये लोग ऐसा सिखाते हाथ धो फिर खाओ, और प्रभु से नहीं बोलते थे हाथ धोकर खाओ, वो तो ये सिखाते कि अंदर दिल से जो निकलता है वो आपके सर को बिगाड़ता है, अशुद्ध करता है, तो उसको निकालो ना, बिना हाथ धोए खाओ कुछ नहीं होता। तो प्रभु से ये सच सिखाते थे, लेकिन प्रभु से के सामने अगर ऐसा कोई झूठ बोलेंगे तो प्रभु से को डांटना पड़ेगा। क्यों? अगर नहीं डांटेंगे तो ये चेले भी वही सोचेंगे, यार प्रभु यीशु, यार हम भी तो हाथ धोकर नहीं खाते, और हम भी तो अपने माता पिता को जो चढ़ा जाना चाहिए वो दान दे देंगे, फिर माता पिता का आदर नहीं करेंगे, चल जाएगा। तो झूठ तो इनके अंदर आएगा। तो अपनी भेड़ को बचाने के लिए प्रभु यीशु को क्या करना पड़ेगा, झूठे लोगों को जाहिर करना पड़ेगा, उनको डांटना पड़ेगा, उनके बारे में अपने चेले को बताना पड़ेगा, देखे झूठा है,
तो प्रभु से यहाँ पर दोष नहीं लगा रहे, डांट रहे इनको, क्योंकि उनके कारण अपनी भेड़ बिगड़ सकती है। इसलिए एक अगवा होता है ना, उसको एक काम करना ही पड़ता है, जो कोई झूठा सिखाता है ना उसको अपनी भेड़ों के आगे डांटना पड़ता है, बताना पड़ता है। प्रभु ने अपने चेलों से अकेले में कहा था, अकेले कहने का मतलब है कि जब शास्त्री फरीसी लोग वहाँ पर नहीं थे तब बोला इनसे सावधान रहना, ये लोग जो है वो नमस्कार चाहते हैं, बड़ा पद चाहते हैं, मूसा की गद्दी पर बैठते हैं, बोलते तो बहुत कुछ ऐसा करो वैसा करो लेकिन खुद नहीं करते, तो ये निंदा नहीं थी। प्रभु को मालूम ये लोग ऐसा करते हैं, तो अगर चेले लोग उनको देखेंगे तो बोलेंगे हमें भी सिखाना ही ना, हमें कौन सा कर रहा है, हम भी नहीं करेंगे तो चलेगा। नहीं, प्रभु से अपनी भेड़ को बचाना चाहते, इसलिए वो निंदा नहीं करते थे, बताते थे इनसे सावधान रहना, ये लोग गलत चल रहे, तो प्रभु से निंदा नहीं कर रहे। अगर कोई गलत चलता है चाहे वो संगति में क्यों ना हो, लेकिन अगवा देखता है तो दूसरे साथी को बोलता है इससे सावधान रहना, ये गलत नहीं है। और एक वचन में पढ़ता हूँ, मत्ती उसका अध्याय 16 और वचन 6, यीशु ने उनसे कहा देखो फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। खमीर मतलब पाप, सदूकी और फरीसी के खमीर, उनके पाप से सावधान रहना। ये कहा उनकी उपस्थिति में बोल रहे, तो क्या प्रभु से निंदा कर रहे, उनकी बुरी बातें कर रहे, तो क्या प्रभु से निंदा कर रहे, निंदा नहीं है। ये प्रभु से अपने भेड़ को बचाने के लिए बोल रहे देखो ये लोग ऐसे, इनसे सावधान रहना। तो जो कोई गलत कर रहा है, बार बार डांट खाने पर भी नहीं मान रहा है और गलती कर रहा है, तो अगुआ अपनी भेड़ को पक्का बताएगा उससे सावधान रहना, वो भेड़ के भेष में भेड़िया है, उससे सावधान रहना। वो निंदा नहीं कर रहा है, वो किसी के बारे में सही बात बता रहे कि इससे सावधान रहना और अपनी भेड़ को बचाने का प्रयत्न कर रहे। फिर एक वचन और पढ़ते हैं, मरकुस 8:15, प्रभु उसने उन्हें चिताया देखो फरीसियों के खमीर से और हेरोदेस के खमीर से चौकस रहो। यहाँ एक बार फिर प्रभु से बोला, यहाँ हेरोद को भी बीच में डाल लिया, इनसे भी सावधान रहना। तो क्या प्रभु से उनकी निंदा कर रहे, नहीं वो निंदा नहीं कर रहे, अपनी भेड़ों को बचाने के लिए कह रहे वो लोग ऐसे है तू ऐसा मत चलना, ये तेरा साथी है लेकिन ऐसे चलता है, तेरे साथ संगत में बैठता है लेकिन ऐसे चलता है, तू मत चलना। तो प्रभु से यहाँ पर सिखा रहे ये निंदा नहीं है। तो एक सच्चा अगुवा अपनी भेड़ों को बचाने के लिए दूसरे के पाप उसके सामने बोलता है, बताता है कि तू इससे सावधान रहना, ऐसे पाप तू मत करना, वो नाम देकर उसके बारे में बताएगा। जब शुरुआत की कलीसा काम कर रही थी तब कलीसिया में एक गड़बड़ी हुई थी, और हम बाइबल में पढ़ते प्रेरितों के काम अध्याय 6:1-4, उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी तब यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानी भाषा बोलने वालों पर कुड़कुड़ाने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारे विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती। तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहें। इसलिए हे भाइयों, आप अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहराएं, परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। और शुरुआत की कलीसिया में क्या हुआ कि जब लोग खाना खाने के लिए बैठते थे तो जो इब्रानी लोग खाना पिरोसने की सेवा कर रहे थे वो लोग क्या करते थे, ये तो यूनानी लोग हैं तो उनकी विधवाओं को कम देते थे खाना। तो ये जब पक्षपात हुआ तो लोगों ने देखा तो यूनानी लोग आए पत्रस लोगों के पास, भाई साहब ये कैसा, हम भी तो विश्वासी है, हम भी तो मसीह में आए हैं, हम भी तो आपके साथ जुड़े हुए, तो हमारे साथ ऐसा क्यों। तो जब पत्रस सुना तो पत्रस ने बोला यार कि हम लोग कहाँ ये सेवा करें, तो बोला आप में से 7 लोगों को चुनो जो पवित्र आत्मा से भरे हो और बुद्धि से भरे हो। इसका मतलब जो पहले खाना पिरोसने की सेवा करते थे उनमें कुछ कमी तो थी, तो अगुए ने क्या किया, उनको बदल दिया। तो अगुआ जो होता है वो अगर किसी के काम में भलाई नहीं देखेगा, किसी के काम में अच्छाई नहीं देखेगा, आलसपन देखेगा, पक्षपात देखेगा, पवित्र आत्मा वाली बात नहीं देखेगा, तो उसको निकाल देगा, उसकी जगह पर किसी और को ठहरा देगा। तो क्या वो निंदा कर रहा है, क्या किसी के ऊपर दोष लगा रहा है, क्या वो पक्षपात कर रहा है, नहीं, करना पड़ेगा अपनी भेड़ों को बचाने के लिए। ना तो ये निंदा है, ना तो दोष लगाने वाली बात है, कुछ भी नहीं है, लेकिन किसी में है तो अपने लोगों को बताना पड़ेगा ना, ये लोग गलत है चलो इनको निकालो, दूसरों को रखो इनकी जगह पर।
तो अगुवे को ये करना पड़ेगा। अगुवे किसी को भी निकाल भी सकता है, अगर कोई सही से नहीं चलेगा तो अगवा निकाल देगा उसको। पौरुषिक बात करते हैं और हम वचन पढ़ते हैं, पहला तीमोथी पहला अध्याय 19 और 20 वचन। और विश्वास और उन अच्छे विवेक को थामे रहे जिसे दूर करने के कारण कितनों ने विश्वास रूपी जहाज डूब गया। उन्हीं में हुमिनियुस और सिकंदर हैं जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया कि वे परमेश्वर की निंदा करना न सीखे। देखो पौलुस के साथ दो लोग थे, हुमिनियुस और सिकंदर। ये दोनों ने विश्वास छोड़ दिया और हृदय में गंदगी भरकर आ गए। तो जब पौलुस ने देखा ये लोग सही से नहीं चल रहे, निकाल दिया उनको, चलो निकलो यहाँ से। तो क्या दोष लगाने की बात है, क्या निंदा करने की बात है? अगर नहीं सही से चल रहे तो अगवा निकाल भी सकता है उनको, चलो निकलो यहाँ से मेरी संगति से। शैतान को सौंप दिया, शैतान इनकी हालत ख़राब कर देगा। हाँ, नफरत नहीं करेगा उससे, ये नफरत वाली बात नहीं है, प्रेम तो अभी भी पौलुस के अंदर है। लेकिन दूसरी भेड़ बिगड़ेगी उसका क्या, ये लोग दूसरी भेड़ को बिगाड़ देंगे तो फिर क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, इनको भगाना पड़ेगा यहाँ से। तो एक सच्चा अगवा एक काम पक्का करता है। फिर एक वचन और पढ़ता हूँ, दूसरा तीमोथी चौथा अध्याय वचन 10। क्योंकि दिमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है और थिस्सलुनीका को चला गया है। अभी पौलुस किसी के आगे जाहिर कर रहे कि ये जो दिमास है वो तो मुझे छोड़कर चला गया, इस संसार पर प्रेम रखकर। तीमोथी को बताया ना, क्यों बताया, बता देना सभी को। तो देखो अगर कोई संगति में गलती करता है, बार बार जानने के बाद भी, परमेश्वर के वचन को जानकर भी बार बार गलती करता है, टेढ़ा चलता है, तो अगवा उसको निकाल देगा। इतना ही नहीं, लोगों को जाहिर भी कर देगा, इससे बचकर रहना है, इंसान अच्छा नहीं, ना ही ये निंदा है, ना ही दोष लगाने वाली बात है। लेकिन सच्चे अगुवे को दूसरी भेड़ को बचाने के लिए ऐसा कदम उठाना ही पड़ता है। ऐसे लोग जो बार बार वचन सुनते, बरसों से सुनते, फिर भी उनके अंदर सुधार नहीं, तो समझ लो ये मंडली के लिए, ये संगति के लिए कचरे के समान है। कचरा संगति से दूर रहना चाहिए, कचरे को निकालना पड़ता है और कचरे को निकालना ही चाहिए। क्यों, जब बरसों से नहीं सुधरे अब कौन से सुधरेंगे, ये तो दूसरी भेड़ों को भी बिगाड़ देंगे। इससे अच्छा है ऐसे को निकालना पड़ेगा। तो सच्चा अगुवा ये काम करता है, इसमें कोई गलती नहीं, ना निंदा वाली बात है, ना ही इसमें कोई दोष लगाने वाली बात है, लेकिन करना पड़ता है ऐसा। तो ना तो ये निंदा है क्योंकि दूसरी भेड़ों को बचाने के लिए ये सब कुछ करता है। तो एक सच्चा अगुवा ऐसे काम करता है। तो प्रभु ने कभी किसी की निंदा नहीं की, ना किसी के ऊपर दोष लगाया। और सच्चा अगुवा होता है वो भी निंदा नहीं करता, वो भी किसी के ऊपर दोष नहीं लगाता, लेकिन वो लोगों को बचाने के लिए, अपनी भेड़ों को बचाने के लिए ऐसे लोगों से सावधान करता है। परमेश्वर आशीष दे, आमीन।